DWPS की तरफ जी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को DWPS में भेजें। हम लोग यहाँ पे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों को अजमेर जैसे शहर में, जो कि दिल्ली से थोड़ा दूर है और जो कि और बड़े शहरों से जिनको हम कहते हैं थोड़ा दूर है, वहाँ पर हम इस प्रकार की सर्वांगीण शिक्षा देने के लिए हम पूर्णतः कर्तव्यबद्ध हैं और उसमें हम वचनबद्ध हैं। और अगर ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि जो हमारी ट्रेनिंग है और हम ये जो बेस्ट फैकल्टी ला रहे हैं ग्लोबली अपने सामने, उनको हम हर बच्चे को उसका उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा है, हर बच्चे तक के हम पहुँचा सकें। तो इसलिए अजमेर की जनता से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। और सौभाग्य है हमारा कि आज आपके साथ हमारी मुलाकात हुई। सर, आप DWPS से किस तरह से जुड़े हैं, आपका इंट्रोडक्शन हम आपकी मुखबानी सुनना चाहेंगे। जी, तो DWPS एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है, प्रमोद शर्मा एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। और ये जब प्रोजेक्ट हमारे सामने आया तो हम जानते थे कि हम इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें जिस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से और जिस प्रकार का फोकस इस संस्था का है शिक्षा के क्षेत्र में और जिस प्रकार का एक्सपीरियंस अनुभव यहाँ के लोगों के पास है, वो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैं खुद भी शिक्षा जगत से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में भी पढ़ाया है और मेरी खुद की पढ़ाई भी स्विट्ज़रलैंड जिनीवा से स्नातक भी हुई है और इस वक्त मैं वहाँ पर डॉक्टोरल स्टडीज़ कर रहा हूँ। तो उस तरीके का जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल मैंने देखा, वो मुझे अजमेर शहर में शायद DWPS ही एक ऐसा स्कूल लगा जो कि उस प्रकार की सोच और उस प्रकार की विचारधारा को अपने हर छात्र में जोड़ना चाहता है, अपने हर छात्र को देना चाहता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी मेरे लिए भी काफ़ी सौभाग्य की बात थी कि मैं इस चीज़ से जुड़ पाया। जी बिल्कुल। सर, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स कुछ स्पेशली है अपनी, वो हम जानना चाहेंगे DWPS के लिए? जी, तो DWPS फ्यूचर हम तभी अच्छा बना सकते हैं, भविष्य तभी अच्छा बना सकते हैं अगर हमारा वर्तमान अच्छा चल रहा हो। और वर्तमान में DWPS के जो अचीवमेंट्स हैं उससे बहुत साफ दिख रहा है कि भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। फॉर उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो आज ही इनको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से काफ़ी सराहना मिली है। इन्होंने 7 प्रोजेक्ट्स किए थे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, 7 अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट थे जिनमें से 5 प्रोजेक्ट्स को पूर्ण अंक मिले हैं। तो इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था, ब्रिटिश काउंसिल जैसी संस्था यदि आपकी तारीफ कर रही है तो बिल्कुल आपका भविष्य सुरक्षित है और सही दिशा में जा रहा है। उसी प्रकार से वो और भी चीज़ों को जोड़ रहे हैं अपने साथ साथ। उदाहरण के तौर पे कल हम लोगों ने एक इंग्लिश डिबेट कराई जिसमें बहुत बच्चों ने बहुत ही अच्छा बोला, और मुझे लगता है कि न सिर्फ बच्चों ने जिन्होंने स्टेज पे थे उन्होंने अच्छा बोला, ऑडियंस में से जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे और ऑडियंस जिस प्रकार से जिस शालीनता के साथ सुन रही थी, इस उम्र के बच्चे इतनी शालीनता के साथ अगर कुछ सुनते हैं तो बिल्कुल साफ लगता है कि हाँ, टीचर्स भी बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। और इंडिविजुअल फोकस हर बच्चे पर जिस प्रकार का दिया जा रहा है वो भी बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आज इनके ओरल असेसमेंट्स की प्रैक्टिस है 10वीं के क्लास की, हर बच्चा जो आया उस ओरल असेसमेंट में, हर बच्चे को इतनी इज्जत से पहले बैठाया गया, उसको पहले एकदम टेंशन मुक्त किया गया, उसको पहले एकदम थ्रेट फ्री एनवायरनमेंट दिया गया जिससे कि वो अपने विचारों को एकदम आसानी से प्रस्तुत कर सके। तो प्रोसेस को बच्चे को सेंटर में रख करके जिस प्रकार का ये काम कर रहे हैं उससे लगता है कि भविष्य बहुत ही सुरक्षित है, बिकॉज स्कूल के फंडा एकदम क्लियर है, जो प्रोजेक्ट का हमारा फंडा है वो एकदम क्लियर है कि हमको बच्चे को ही सेंटर में रखना है। और जैसे अगर बच्चा ग्रो करेगा तो DWPS अपने आप ग्रो करेगा। आई मीन द स्कूल इज मेंट फॉर द चाइल्ड, राइट? इसलिए जी जी सर, जैसे कि आपने स्कूल स्टाफ है, आप है, सब मिलकर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स से आप क्या सपोर्ट चाहेंगे, उनको क्या मैसेज? पेरेंट्स हमारे बहुत सपोर्टिव हैं। ऑनलाइन स्कूल में स्कूल ने बहुत अच्छा काम किया है और उसका श्रेय बहुत हद तक के हमारे पेरेंट्स को जाता है। ऑनलाइन स्कूल के जिस प्रकार की अटेंडेंस रही है, ऑनलाइन स्कूल के जिस प्रकार के पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, कई बार एक एक डिवाइसेस पे दो दो बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करता, हमारे पास हर तबके के पेरेंट्स हैं तो उनमें इस प्रकार की परिपक्वता कि हमारा बच्चा इस पढ़ाई को जारी रख सके इन इन पैंडमिक के सालों में। और पैंडमिक तो खराब ही होता गया, पहले सोचा गया था सिर्फ 2020 का जाएगा, फिर 21 और अब हम 22 में ये बातें कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनका बहुत प्रेम मिला है, उनका बहुत सपोर्ट मिला है हमें, और हम चाहेंगे कि वो उसी तरह से जिस प्रकार का विश्वास उन्होंने हमें दिया है वो उसी प्रकार से आगे भी बना रहे। क्योंकि अब जो शिफ्ट है ऑनलाइन से ऑफलाइन के बीच में, उसमें फिर से हमें उसी ट्रस्ट की आवश्यकता है जो कि इन्होंने दिखाया है, और हमें पक्का यकीन है कि वो पेरेंट्स उसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। जी, कोरोना काल बढ़ता जा रहा है जी, और इस
के साथ अपने को जीना है, तो शिक्षा और कोरोना काल के बीच में आप कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब ये है कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि हम पाना क्या चाहते हैं, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं तो अपने आप में ही हमारी प्लानिंग भी उतनी ही अच्छी हो जाती है कि भाई हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और हर बच्चे तक पूर्ण शिक्षा पहुँचे, तो हमारी प्लानिंग भी उसी हिसाब से होती है। तो इसका जो एक बैलेंस आएगा पैंडमिक के ईयर्स में भी, जो शिक्षण पद्धति कैसी जाती है या किस प्रकार की मेथोडोलॉजीज यूज़ होती हैं, उसका सीधा असर जो है कोरोना को हराने में भी काम आएगा। तो ना सिर्फ एक मेडिकल तौर पे हमें हराना है, पर हमें एजुकेशनली भी इसको उसी प्लानिंग से, उसी हद की प्लानिंग से हराना है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण ये हो सकता है कि भाई सारे बोर्ड्स ने, जितने भी भारतीय बोर्ड्स हैं, सब ने अपने अपने कोर्सेज में कटाई की है, उन्होंने अपने असेसमेंट के तरीके को बदला है। अब जैसे ये ओरल एग्ज़ाम जो आज हो रहा था, ये हमारे में से हमने कभी नहीं किया। हमारे लिए CBSE UP बोर्ड में कहाँ हमारे पास ओरल एग्ज़ाम होते थे, किंतु कोरोना को देखते हुए इस बदलाव को लाया गया। तो इससे जीतने का एक ही तरीका है कि अपने आप को हमेशा बदलते रहना है समय के साथ, और वही तरीका है। और बच्चों से ज़्यादा अच्छा और कौन होगा अपने आप को बदलने में। तो हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे करियर से जुड़े हुए हैं जहाँ लोगों को जो है उस ढेरे में ढालना बड़ा आसान रहता है।